हेलो व्यूअर्स, मैं शाम से काफ़ी बोर हो रही थी तो मैं दिल कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊं। फिर मैंने दो एग लिए और उनको मैंने बॉईल करने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया और उनको कवर कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारे एग हैं वो बॉईल हो चुके हैं, तो एक छोटे स्लाइसर की मदद से हम इनको चेक करते हैं। तो ये देखें, ये अच्छे तरीके से डन हो गए हैं, बस ऐसे चाहिए थे हमें। तो अब हम इनको गर्म पानी से निकाल कर एक ट्रे में रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए और हमें छीलने में आसानी हो। और अब इसका मसाला तैयार करने के लिए ऑयल लिया है। ऑयल के साथ मैंने हाफ स्पून अगेला सीड ली है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप भी अपने खानों में लाजमी यूज़ किया करें। और साथ ही 1 स्पून मैंने चॉप गार्लिक लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इन दोनों को लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे। और हाफ स्पून इसके अंदर क्यूमन ऐड करेंगे। तीनों चीज़ों के चम्मच चला देंगे और मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो गार्लिक है वो ब्राउन हो चुका है, तो अब इसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी और ड्राई कोरिएंडर और साथ में दो जो लाल मिर्ची है वो भी ऐड करते हैं। और इसको अब चम्मच से हिलाते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि ये नीचे ना लगे। जैसे इसके अंदर पानी शामिल किया वैसे आँच चारों तरफ पे फैल चुकी है। इसी इस टाइम मैं वीडियो भी खुद बना रही हूँ, तो इस वजह से दोनों चीज़ों का मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और अब इसके अंदर दो ग्रीन मिर्ची जो है वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं चॉप करके। और इसे अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे और इसको पकाते रहेंगे। और एक स्पून के मदद से जो गार्लिक इसके साथ चिपका पड़ा है इसको उतार के इसी के अंदर शामिल कर देते हैं। और अब इसके टेस्ट को थोड़ा सा सोर्सी करने के लिए मैं इसके अंदर विनीगर ऐड करती हूँ। और अब इसके चम्मच जो है वो चला लेती हूँ। आंच थोड़ी सी तेज कर देंगे नीचे से और साथ ही इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे। और इसे साथ साथ हिलाते रहेंगे। तो साथ ही इसके अंदर 2 स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर फ्लोर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गैस मैंने इसके अंदर ना तो अनियन डाला है और ना ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाला है, लेकिन फिर भी हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो इसकी ग्रेवी के टेक्सचर को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने इसके अंदर ये फ्लोर ऐड किया है। और इसे चम्मच की मदद से कंटिन्यू मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। और जो मसाले का फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। ज़रा क्लोज से इसे देखते हैं। तो अब गाइस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे तरीके से पकाते रहेंगे। और इसे नीचे नहीं लगने देना, इसीलिए इसके अंदर चम्मच जो है वो लगातार चलाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने 2 मिर्ची थी वो मैंने पहले निकाल के रख ली थी ताकि जब मसाले को मैं भूनूँ तो ये नीचे लग के जले ना।
तो अब मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिए दोनों। अब ये जो अपना फ्लेवर है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगी। और ये जो अंडे के जो मैंने स्लाइस काट के रखे हैं, अब इनको भी एक एक करके इसी के अंदर शामिल करते रहेंगे। तो देखिए गाइस, इसके ऊपर जो ऑयल है वो कितने अच्छे तरीके से ऊपर आना शुरू हो गया है, और जो हमारे यहाँ मसाला है वो अलग-अलग अलग-अलग हो गया है, और घी इसके ऊपर आ गया है। तो बस इसी तरीके से एक एक करके मैंने जो सारे एग्स हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी मैं आपको इसकी साइड चेंज करके इसकी लुक दिखाती हूँ। अब जो दूसरे हैं उनको हम उल्ट पुल्ट नहीं करेंगे, और साथ ही इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी है ताकि इसका जो कलर है वो रेड चिली का और ग्रीन चिली का दोनों का मिलकर एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना दे। तो ये देखिए कितना प्यारी दोनों चीज़ें लग रही हैं। और इसी को अब एक चपटे की मदद से मैंने मिक्स किया है ताकि अगर हम स्पून की मदद से करेंगे तो वो एग जो है वो टूटेंगे, और चपटे की मदद से जब हम इसको हिलाएंगे तो ऑयल अच्छे तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, तो ये इसकी जो रेसिपी है वो डन हो चुकी है। तो ये इसकी अब फाइनल लुक है। तो इसको एक स्पून की मदद से चेक करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पर जो रेसिपी है वो हमारी डन हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा।